हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। यदि आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से आप लोगों को बिल्कुल टाइम पर मिल सकेगा। ऑल इंडिया लेवल वैकेंसी आई है, 7951 परमानेंट पोस्ट रहेगी। लेवल 6 लेवल 7 के अकॉर्डिंग सैलरी रहने वाली है। सैलरी काफ़ी अच्छी है आपकी इसमें बनेगी, क्योंकि अलग अलग पोस्ट हैं। एक पोस्ट जिसमें 7934 वैकेंसी हैं, लेवल 6 के अकॉर्डिंग जो है बेसिक पे ही जो है 35,400 रहेगी। सरकारी अन्य भत्ते उसमें शामिल करेंगे तो आपकी सैलरी जो है 50,000 से भी अधिक रहने वाली है। दूसरी जो पोस्ट है जिसमें 17 वैकेंसी हैं, तो उसमें जो है लेवल 7 के अकॉर्डिंग 44,900 सैलरी रहेगी। तो ये 60,000 से भी अबव आपकी होने वाली है, क्योंकि सरकारी अन्य भत्ते यदि शामिल करते हैं तो सैलरी और भी अधिक जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। सबसे पहले जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो है शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। अभी जो है डिटेल में नोटिस नहीं आया है, तो आपको ये याद रखना है, नंबर जो है 3/2024 है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर। इसमें ओपनिंग डेट जो है 30 जुलाई 2024 है और 29 अगस्त 2024 तक जो है आवेदन आप कर पाएंगे। तो अभी जो है आवेदन का प्रोसेस जो है स्टार्ट नहीं हुआ है, 30 जुलाई से प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो कंप्लीट जो है डिटेल में जो है एडवर्टीजमेंट अभी जारी होगा। यहाँ पर जो है नेम ऑफ पोस्ट, केमिकल सुपरवाइजर, रिसर्च सुपरवाइजर, रिसर्च और इसमें जूनियर इंजीनियर, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिनटेंडेंट और केमिकल मेटालर्जिकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। पे लेवल इन 7 CPC। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि जो 17 वैकेंसी हैं RRB गोरखपुर की तरफ से है, इसमें लेवल 7 के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च की, ठीक है। और इसमें जो है 7934 ये सबसे अधिक वैकेंसी है, जिसमें उम्र 18 से 36 साल है और इसमें बेसिक पे 35,400 है, काफ़ी अधिक जाएगी सैलरी, 50,000 से भी ऊपर। जूनियर इंजीनियर, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिनटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इसमें आयु सीमा में छूट बिल्कुल दी जाएगी। जनरल कैटेगरी की 18 से 36 साल है और जो SC ST हैं, PWD हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो उनको उम्र में छूट बिल्कुल मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जब डिटेल में एडवर्टीजमेंट जारी होगा ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB की, तब आप लोगों के लिए दोबारा वीडियो बनाया जाएगा। अभी जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं है, अभी शॉर्ट नोटिस ही है, दोबारा से आपको बता दूं। यहां पर जो है रिजर्वेशन इन कैटेगरी को बिल्कुल मिलेगा। एग्जामिनेशन फीस, मोड ऑफ एग्जामिनेशन 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो आपके माइंड में थोड़ा सा जो है ये आ जाए कि वैकेंसी जो है काफी बड़ी संख्या में 7,000 से अधिक है, तो इसमें जो है किस तरीके से सिलेक्शन रहेगा, तो एग्जाम रहेगा आपका 2 स्टेज में, CBT मोड होगा। और इसमें फीस जो है कैटेगरी वाइज यहाँ दी गई है, 500 रुपीज़ जो है जनरल कैटेगरी की रहेगी, OBC की रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो है SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस की 250 रुपीज़ है फर्स्ट स्टेज CBT का। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया, डिटेल में जब आएगा तब आपको बताया जाएगा। ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है, ये ध्यान में रखना है। बहुत सारे जो है विज्ञापन जारी हो जाते हैं तो नहीं पता लगता है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मालूम होगा। जैसे ही मालूम होता है आप लोगों को सूचना वीडियो के माध्यम से बिल्कुल दी जाएगी। यहाँ पर वैकेंसी सर्कुलर में, ठीक है, वैकेंसी सर्कुलर 2024 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें जो है वेबसाइट के एड्रेस हैं RRB की। तो ये जो है शॉर्ट नोटिस था और डिटेल में एडवर्टीजमेंट जैसे ही जारी होगा बिल्कुल आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाएगा। जहां मुझे लगता है नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा हैं और कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन है उनके पास, उसकी सूचना जो है आप लोगों को वीडियो की बिल्कुल देनी चाहिए, तो वीडियो बनाया जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।